उगते सूरज को सलाम करने की आदत अब रीत बन चुकी है। यहाँ नाम भी उनका याद रखा जाता है जिनका काम दिखता है, और उन्हें भुला दिया जाता है जिनकी कोई हलचल ना हो। आज के फिल्मी युग में कभी कभी याद करने के लिए काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस हलचल या गॉसिप में लगे रहो, लोग यूं ही सालों साल याद करते हैं। पर जब भी बात पुराने कलाकारों की हो, तो उन कलाकारों को भी भुलाना पड़ा जिनका सूरज कम समय के लिए चमका और समय के साथ उनकी रोशनाई फीकी पड़ने लगी। ऐसे अनगिनत कलाकारों में एक कलाकार ऐसा आया जिसके पीठ पर खुद सुपरस्टार का हाथ था। यूं कह लीजिए, बड़ा भाई सुपरस्टार था तो छोटा भाई भी दमदार अभिनेता था। अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज कहानी लाई हूं नासिर खान की। मैं हूं आपकी अनामिका, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। नासिर खान की जिंदगी जितनी रंगीन और रूपक रही, उतना उनका फिल्मी जीवन नहीं रह सका। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि नासिर भी उतने स्तर के होनार थे जितने कि उनके बड़े भाई दिलीप कुमार थे। पर नासिर खान का बदनसीब ये रहा कि उनके कौशल को आजीवन बड़े भाई के साथ तोला गया, बजाय इसके कि इन दोनों ने कई फिल्में एक साथ की और दोनों ने अभिनय की शुरुआत भी एक साथ की थी। नासिर खान का जन्म आज के मुंबई में 11 जनवरी 1924 को हुआ था। उनका परिवार पेशेवर अमीर और मान सम्मान वाला था। उनके पिताजी का नाम लाला गुलाम सरवर अली खान था, जो जमींदार थे, तथा माताजी का नाम आयशा बेगम था, जो एक गृहिणी थी। पिताजी का फलों का व्यापार 3 शहरों में चलता था, पेशावर, मुंबई और पुणे नजदीक देवलाली। पर उनका आधा परिवार पेशावर में रहता था तो आधा परिवार मुंबई रहता था। पिता ने अपने सारे बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई पुणे में ही की, क्योंकि उस समय भी पुणे पढ़ाई लिखाई का बड़ा केंद्र हुआ करता था। नासिर के पढ़ाई लिखाई के दौरान उनके परिवार का ताल्लुक फिल्म जगत से हुआ। फिल्म जगत में पहला कदम बड़े भाई महमूद यूसुफ खान ने रखा, जिसे प्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी जी ने दिलीप कुमार ये हिंदू नाम दिया। पर उसके तुरंत एक साल बाद नासिर ने भी अभिनय क्षेत्र में अपना कदम रखा। आपको जानकर हैरानी होगी, पर इन दोनों भाइयों को अलग अलग फिल्म निर्माताओं ने लॉन्च किया था, और साथ ही दोनों भाइयों ने स्वतंत्र रूप से ही शुरुआत की। 1944 के साल में देविका रानी के अंतर्गत रहा स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्मित ज्वार भाटा फिल्म के साथ दिलीप कुमार बड़े पर्दे पर पहली बार नजर आए। पर उसके एक साल बाद फिल्मिस्तान स्टूडियो ने उनके छोटे भाई नासिर को लॉन्च किया। उस फिल्म का नाम था मजदूर। किस्मत से दोनों फिल्में हिट रही, पर कुछ समय के लिए ना सही, पर नासिर की शुरुआती करियर दिलीप कुमार से भी अच्छा था। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि नासिर ने अगली फिल्म शहनाई की, जिसमें वो मुख्य किरदार में थे। वो उस जमाने की बहुत बड़ी हिट फिल्म रही। पर दूसरी तरफ दिलीप कुमार की लगातार 3 फिल्में फ्लॉप रही। वो फिल्में थी मिलन, जुगनू और शहीद। पर ऐसा क्या हुआ कि आगे चलकर नासिर खान असफल हुए और दिलीप कुमार को सफलता मिली? नासिर खान के असफलता के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी, वो दिलीप कुमार के फिल्मों के गाने थे। बड़े भाई की फिल्में फ्लॉप जरूर रही, पर गानों ने धूम मचा दी थी। वहीं नासिर खान की शुरुआती फिल्में म्यूजिक के लिहाजा कमजोर थी। दूसरी और सबसे बड़ी गलती जो नासिर खान ने की, वो ये है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद नासिर खान ने पाकिस्तान का दामन थामा, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वहीं दिलीप कुमार बड़े होशियार थे, उन्हें देश छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी, पर दिलीप कुमार दूसरे मुसलमान कलाकारों को पाकिस्तान जाने से रोका करते थे। प्रसिद्ध गायिका नूरजहां को भी दिलीप कुमार ने रोका था, पर वो मानी नहीं। नासिर खान पाकिस्तान पहुंच गए और वहां नए नवेले बसाए फिल्मों में काम करने लगे। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद में भी नासिर खान मुख्य किरदार में थे। साल 1948 में रिलीज हुई ये पाकिस्तान की पहली फिल्म खुद पाकिस्तान में ही सुपर फ्लॉप रही।
इतना ही नहीं, पाकिस्तान की दूसरी फिल्म शाहिदा में भी नासिर खान मुख्य किरदार में थे और इस फिल्म का भी अंजाम तेरी याद जैसा था। इस दर्दनाक स्थिति को देखकर नासिर खान बड़े दुखी हो गए। उन्हें अपने गलती का पछतावा होने लगा। एक तरफ जहां नासिर खान का करियर फिसलने लगा था, वहीं बड़े भाई दिलीप कुमार ने भारत में रहकर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। 1950 के साल में आखिरकार नासिर खान पाकिस्तान छोड़ फिर से भारत लौट आए और अभिनेत्री नूतन के साथ एक फिल्म की। वो थी 1951 की जबरदस्त हिट फिल्म नगीना। पर इस बार भी उनकी किस्मत ने धोखा दिया। दरअसल फिल्म तो हिट रही, नासिर के साथ मेन लीड में नूतन थी और नूतन को ही इस फिल्म का क्रेडिट मिला। अपने असफलता का बोझ लेकर नासिर खान ने आगे कुल 27 फिल्में की। मजदूर, अंगारे, खजाना, नाजनीन, हंगामा, नगीना, आगोश, श्रीमती जी, जवाब, दायरा, इनाम, सोसाइटी, आसमान, खूबसूरत, शीशम, चारमीनार, साया, गंगा जमुना, सौदागर और नखरे। ये खास फिल्में थी जो उस दौर में खूब चली। पर आगे कुछ फिल्में उन्होंने की जिनमें वो सहायक किरदार में थे और दिलीप कुमार मुख्य किरदार में दिखे। दिलीप कुमार के साथ उनकी एक फिल्म आज भी याद की जाती है। 1961 में रिलीज हुई उस धमाकेदार फिल्म का नाम था गंगा जमुना। सत्येन बोस डायरेक्टेड ये फिल्म दो भाइयों की कहानी थी और संयोग से दो सगे भाई ही इसमें अभिनय कर रहे थे। बड़ा भाई दिलीप कुमार डाकू बन जाता है तो छोटा भाई नासिर खान पुलिस इंस्पेक्टर दिखाई देता है। इसी फिल्म के प्लॉट को लेकर अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म आई थी। समय के साथ दिलीप कुमार बहुत बड़े स्टार बन गए और नासिर खान चरित्र अभिनय करने लगे। बतौर हीरो नासिर खान की आखिरी फिल्म आदमी रही जो 1957 में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म में उनकी सहनायिका थी बेगम पारा। फिल्म के रिलीज के बाद नासिर और बेगम पारा ने विवाह भी कर लिया। कुछ साल के बाद नासिर फिल्म जगत से दूरियां बनाकर नासिक में व्यापार करने लगे। वहां उन्होंने पोल्ट्री फार्म भी शुरू किया। समय की मार उन पर इस कदर पड़ी कि उन्हें अजीब सी बीमारी ने लिपट लिया जिस कारण उनके सर और भुए के बाल झड़ गए। पर आखिरी दिनों में उन्होंने अभिनय क्षेत्र में फिर से आने का निर्णय लिया, जहां 1976 की बैराग और यादों की बारात, ये दो फिल्में उनके जीवन की अंतिम फिल्में साबित हुई। अपने जीवन में अभिनय क्षमता और खूबसूरती होते हुए भी वो महान अभिनेता बन नहीं पाए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका खुद का नसीब ही था। और अंततः इस भूले बिसरे अभिनेता ने 3 मई 1974 में मात्र 50 साल के उम्र में आखिरी सांस ली। बेगम पारा और नासिर खान की 3 संतानें हुई, बेटा नादिर खान, दूसरा आयूब खान और तीसरी बेटी लुबना। कहा जाता है कि नादिर खान अब इस दुनिया में नहीं है, पर नासिर खान का दूसरा बेटा आयूब खान आज जाने माने अभिनेता है। 90 के दशक में वो कुछ फिल्मों में नजर आए, पर 2010 के दशक की मशहूर टेलीविजन सीरीज उतरन में भी आयूब खान बड़े प्रसिद्ध रहे। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।